200 ग्राम भी वरुण चक्रवर्ती को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 200 आरसीबी की टीम के खिलाफ शानदार जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने वरुण चक्रवर्ती ने अपने बयान में धोनी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। आखिरकार क्या कहा वरुण चक्रवर्ती ने वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कोलकाता की टीम किस खिलाड़ी की वजह से जीती, नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों कोलकाता और आरसीबी की टीम के बीच में आईपीएल 2021 के दूसरे फेज का दूसरा मैच कुछ ऐसा रहा कि जिसे कोई नहीं भूल सकता। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम को कोलकाता की टीम ने दौड़ा दौड़ा कर हरा दिया। दोस्तों मुकाबले की शुरुआत तो बड़े ही जोश के साथ करी विराट कोहली ने। टॉस जीतकर टीम के लिए बल्लेबाजी का तो फैसला कर लिया, लेकिन आरसीबी की टीम इतनी बुरी तरीके से लड़खड़ाई कि सलामी जोड़ी को टूटने में मात्र 2 ओवर लगे। विराट कोहली 5 रन पर आउट हुए तो वहीं आगे चलकर डिविलियर्स, मैक्सवेल व देवदत्त पड़ीकल का फ्लॉप शो जारी रहा। देखते ही देखते टीम के 61 पर 6 विकेट गिर गए थे और वहीं से आरसीबी की टीम का पूरा वक्त शुरू हो चुका था। आगे चलकर दोस्तों कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन रेंगते हुए आरसीबी की टीम के खिलाड़ी 92 तक जरूर पहुंच गए। आरसीबी की टीम के 92 पर ऑल आउट होने के बाद केकेआर की टीम को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी इस मैच को जीतने में, लेकिन आरसीबी की टीम का इतना बुरा हाल किया खास तौर पर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने। दोस्तों एक ही ओवर की लगातार 2 गेंदों पर बैक टू बैक विकेट्स लेकर वरुण चक्रवर्ती ने आरसीबी की टीम को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें कि अकेले वरुण चक्रवर्ती के नाम 3 बड़े विकेट रहे। आरसीबी की टीम 92 रन पर आउट हो गई और बचे हुए काम को पूरा कर दिया कोलकाता की टीम के शानदार बल्लेबाजों ने। दोस्तों कोलकाता की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के बैट्समैन शुभमन गिल ने धाकड़ शुरुआत दिलाई टीम को। शुभमन गिल के 34 गेंदों में 48 रन और वेंकटेश अय्यर के तो 27 गेंदों में 41 रन थे, जिससे कि आरसीबी की टीम इन दोनों खिलाड़ियों के बलबूते पर 9 विकेट से जीत गई। लेकिन इस जीत के असली हीरो मैन ऑफ द मैच बने वरुण चक्रवर्ती ने अपने बयान में जीत के बाद कहा, ये वाकई में एक शानदार जीत है। हमारी टीम को जीतने के लिए पावर प्ले में विकेट चाहिए थे और यही हमारी स्ट्रेटजी थी। आरसीबी की टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से बदल चुका है, उनकी टीम में एक से बढ़कर एक बैट्समैन है और उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में हमारा मकसद उन्हें उनकी बल्लेबाजी से ही तोड़ने पर था। गेंदबाजों की मिलकर यही रणनीति थी कि हम पावर प्ले में आरसीबी की टीम के ज्यादा से ज्यादा विकेट्स लेने का प्रयास करेंगे और मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि ऐसी फ्लैट विकेट पर अपनी टीम के लिए 3 विकेट ले सका और टीम के काम भी आ सका। हालांकि मेरी पूरी कोशिश थी कि अपनी टीम के लिए पहली हैट्रिक दर्ज जरूर करूं, लेकिन उसमें नाकाम रहा। लेकिन ये जीत टीम के सभी खिलाड़ियों के एकजुट प्रदर्शन की वजह से हुई है। न सिर्फ शानदार गेंदबाजी करी सभी खिलाड़ियों ने, बल्कि बल्लेबाजी से भी हम इस मुकाबले को 9 विकेट से जीते, जो कि एक बड़ी बात है। इसी के साथ साथ मैं इस जीत का श्रेय हमारे सभी सीनियर प्लेयर्स को देना चाहूंगा। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हर घड़ी सीखते हैं और मैंने भी महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और ऐसे कई खिलाड़ियों से काफी कुछ सीखा है और धोनी भाई के इन्हीं टिप्स ने वाकई में मेरी काफी ज्यादा मदद करी है। साथ ही मैं अपनी टीम के कोच व कप्तान की भी तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने इस मौके के लिए मुझे काबिल समझा। उम्मीद है कि कोलकाता की टीम के लिए ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करता रहूं। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती इस मैच के हीरो हैं। साथ ही आपको बता दें कि वर्ल्ड कप की टीम में भी वरुण चक्रवर्ती जलवा बिखेरते नजर आएंगे। आज आरसीबी की टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि वो टीम में शामिल होना डिजर्व करते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।